मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतने पाक के साथ खैरियत से होंगे। तहे दिल से हमारी जाफरी एलिमा टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती है। सब सारा दिन पाकिस्तान में, यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, सब जगह माशाल्लाह आज ईद है और आप बड़े जोर शोर से मना रहे होंगे मुझे उम्मीद है। और किस तरह ईद मना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, लॉकडाउन भी है, वो सेलिब्रेशन नहीं है जो होती थी हमेशा। ईद के दिन सुबह सुबह तैयार हुए, इसके घर उसके घर, ईदी देना ईदी लेना। तो इस साल की ईद लास्ट ईयर की तरह थोड़ी डिफरेंट है। हम लोग अपने अपने घरों में एक तरह से महसूर हैं, कह लें बाउंड हैं। तो किस तरह आपकी ईद गुजर रही है हमें जरूर बताइएगा। और अपनी दुआओं में जाहिर है हमें फलस्तीन के मुसलमानों को भी याद रखना है। हम जुल्म देख रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वहां के मासूम मुसलमानों के साथ, उनको भी अपनी दुआ में हमें याद रखना है इस ईद के मौके पर। और आज माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियात हमारे प्रोग्राम में होंगी, एक के बाद एक जो आती जाएंगी आपके साथ जो है वो शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह पूरे रमजान बहुत बेहतरीन प्रोग्राम किए, होस्ट भी किए और खुद भी प्रोग्राम किए। एज अ आलिम होके उन्होंने होस्ट भी किए हैं और खुद भी हमने देखा कि बड़ा अच्छा कसस उलंबिया की नॉलेज हमें फराम किए। वो वाकयात हमें सुनाए जो हमारे कभी गुजरे नहीं हमारे सामने से, तो हमारे नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ। और हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन मौलाना तो बड़े खूबसूरत प्रोग्राम कैसे सोलंबिया के, वो भी आपने देखे। जाहिर है घर से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अटक जाता ही है प्रोग्राम लाइफ। तो जनाब हम अभी जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनको खुश आमदीद कहेंगे। माशाल्लाह किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, और इनकी मेहनत जो है वो खुद बजात खुद मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं भी ईरान जा चुकी हूँ, देख चुकी हूँ उनको छोटे छोटे बच्चों के साथ। इंग्लैंड की खूबसूरत जिंदगी, जिसे कहते हैं ना आसाइशों भरी जिंदगी को छोड़कर, घर बार को उठाकर ईरान चले जाना सिर्फ इसलिए कि एक आलिम बनना है, इल्म को फैलाना है, तालीमाते अहले बैत अलैहिम सलाम को आगे बढ़ाना है। और माशाल्लाह अहले बैत टीवी के चश्मो चराग कह लें, या आगे अहले बैत टीवी के चराग को रोशन करने वाले जो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, किबला मौलाना फैजुल हसन जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम तहे दिल से उनको ईद की मुबारकबाद भी कहेंगे और इस प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक जजाकल्लाह। आपके सामने नाज़रीन को भी ईद मुबारक पेश करता हूँ मेरी तरफ से और मेरी अपनी फैमिली की तरफ से और जो मेरे असातिज़ हैं उनकी तरफ से भी। आप सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया किबला, माशाल्लाह मुबारकबाद भी पेश करेंगे। पूरे रमजान, माहे रमजान बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने फराबाजी के साथ और मौलाना अली रजा रिजवी साहब के साथ किए। हम तहे दिल से आपकी मुबारकबाद भी इस चीज की पेश करते हैं कि हमारी नॉलेज में बड़ा इजाफा किया। किबला ईद की बात करते हैं, पहले ईद के बारे में कुछ फरमाइए। ईद क्या है बेसिकली, असल में ईद है क्या? जी ईद, देखिए ईद का मफहूम इस तरह बताना चाहता हूँ कि हमें जो 29 days या 30 days जो मेहनत की है, इस मेहनत का रिवॉर्ड ईद है। ईद क्या वाह मतलब? वाह, यानी कि हम वापस अपनी फितरत पे लौट गए हैं। क्यों हम इस सुभान फितराना देते हैं? फितराना, जी फितरत एक वर्ड से निकला है, यानी हम जी सदका दे रहे हैं कि हम इस फितरत पे बाकी रहे जो हमने इतने डेज ये जो रोजे रखे हैं। तो इसलिए कहा जाता है ईद उल फितर, यानी हम अपनी फितरत पे वापस आ चुके हैं। ये है असल मायने, यानी हम वापस खुदा जैसे हमें चाहता है वैसे हो गए। अब उम्मीद है कि सुभान वैसे ही हम बाकी जिंदगी गुजारें कि नेक्स्ट रमजान तक, कि नेक्स्ट रमजान में दोबारा जो कुछ खामी आ जाती है उसको दोबारा रिफ्रेश करें और दोबारा हम अपनी फितरत पे आए। तो ये है एक छोटा सा मफहूम, यानी ईद का मतलब क्या है। ईद का मतलब ये कि इंसान वापस इंसान बन चुका है, यानी वो जो वाह, इफरात तफरीत का शिकार था अब वो नहीं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, पूरा माहे रमजान गुजरा, बहुत सी नेमतें, रहमतें, मगफरत हमने हासिल करने की कोशिश की। तो ये रमजान बेसिकली हमें क्या मैसेज देता है, आइंदा आने वाली जिंदगी में हमें किस तरह से जो कुछ रमजान ने किया वो हमें अपने जो प्रैक्टिकली जिंदगी है उस पर अपनाना है? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया उस्मा सिस्टर, कि
किस अब हम इस रमजान को आगे कैसे लेके चलें, यानी जो चीजें हमने लर्न की। सबसे पहले आपने नोट किया होगा कि जैसे कि आज आज मैंने भी एहसास किया कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि अभी खा नहीं सकता, रोजा है मेरा। जी, ऐसे ही है, एग्जैक्टली फिर एकदम याद याद लाना पड़ता है कि नहीं नहीं अब तो रोजा नहीं है, अब आजादी है, जिस टाइम भी अब हम खा सकते हैं। तो ये सिर्फ भूख तक ना हो बल्कि गुनाहों से भी और गलत कामों से भी हमें आता है कि मिसाल के तौर पे एकदम हम चाहे कुछ करें पे एकदम याद आए कि नहीं नहीं ये तो हम रोजे की हालत में या ये नहीं करना चाहिए। तो असल मफहूम रोजे का ये था कि इंसान अपने आप को बुराइयों से रोके, रमजान के वाह, अंदर उन आदतों से रोके। मिसाल के तौर पे जो सिगरेट पीते हैं, आप देखेंगे कि जो सिगरेट 30 दिन नहीं पीते अपने आप को रोकते हैं, फिर रमजान के बाद कम लोग होते हैं कि वो दोबारा सिगरेट पीने पे जाते हैं, यानी उनके अंदर वो आदत जी बन जाती है कि वो एक बुरी आदत को छोड़ती है, अब उस आदत को उसके बगैर अब जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब भी उनको कभी आता है मौका ये फराम हो के पी सकें सिगरेट, तो पहले 2-3 बैरियर्स आते हैं कि नहीं नहीं पीना चाहिए, यानी इस तरह की शील्ड्स बन गई हैं। तो ये है असल मफहूम रमजान का कि रमजान से हम प्रैक्टिकली किसी अपना है। तो हमें चाहिए कि इसी चीज को लेके चले आगे, इसको तोड़े ना, कि जो आदतें बन गई हैं उन्हीं आदतों को तो रहने दें। मिसाल के तौर पे सुबह के वक्त उठना, वरना अब आप देखें सहरी की वजह से हम मजबूर होते कि हमें उठना पड़ेगा, वरना जी नमाज के लिए हाँ, कौन उठता है, क्योंकि पता कि नहीं पता पूरा उठते। दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा। तो खुदा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि सहरी के लिए उठोगे, सहरी खाओगे, तो जब सहरी खाएंगे तो नमाज भी पढ़ेंगे। अब एक आदत बन गई क्या बात फजर है, की नमाज के लिए उठना। तो ये है चीजें जो हम प्रैक्टिकली लेके चल सकते हैं क्योंकि अब आदत में हमारे आ चुकी हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये फजर की मिसाल दी कि वैसे तो हमने उठना नहीं है, जब तक हमें दही पराठा रोटी लस्सी खाना होगा भाई, सारा दिन भूखे तो हम जरूर उठते हैं, और उठ जाते तो खाने के साथ साथ नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई है कि जैसे ही मिसाल है, आज भी सुबह जब सहरी का वक्त हुआ, फजर का वक्त हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, आंख खुली, अलार्म तो सेट होते हैं वैसे भी, तो फिर फौरन से आंख खुली कि नहीं नमाज तो पढ़नी है। और बड़ी अच्छी बात की सुबह जब नाश्ते का वक्त हुआ तो हम लोग उठे ऐसी रूटीन जैसे आपने कहा, क्योंकि ईद का प्रोग्राम है नाजीन, हल्की फुल्की हमें बातें करनी है आज ईद के हिसाब से। तो कॉलर में जहरा बच्चे मेरे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसमें मुझे पासवर्ड तो भिजवा दो, क्योंकि अच्छा अभी अच्छा इस वाले अच्छा नंबर पे। जी, हसीब भाई आपको मैंने मैसेज किया है, हमारी फाउंडर डायरेक्टर जारा बाजी को नए वाले नंबर पे प्लीज पासवर्ड भिजवा दीजिए, ताकि वो भी हमें ज्वाइन करें। माशाल्लाह, उनसे भी सवालात करें कि किस तरह से एक बेटे को आलमे दीन बनाया, ईरान भेजा और ये तरबियत की, माशाल्लाह, जो बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने आप देख रहे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा किबला, क्योंकि ईद का प्रोग्राम है, सारा महीने आपने दर्स दिया, आगे भी आपने इंशाल्लाह दर्स ही दर्स देना है, हमने भी इसी टॉपिक पे बात करनी है। तो पहले ये बताइए कि किस तरह से आपके दिल में ये आया, यहाँ की प्रोफेशनल लाइफ छोड़कर, असाइंस छोड़कर मुझे ईरान जाना है, मुझे आलिम बनना है, मुझे फिर से स्टडी करनी है, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है, तो ये कैसे आपके दिल में ये बात आई? मैं ये समझता हूँ कि जो कोई भी ईरान जाता है वो अपनी सिर्फ मर्जी से नहीं जाता है बल्कि एक बुलावा होता है। उस वाह बुलावे वाह, के तहत इंसान कौम तक पहुंचते हैं। मैं समझता हूँ वहां सुभान दो अल्लाह, तरह के बुलावे होते हैं, एक इमाम जमाना की तरफ से और एक शायद शायद इबलीस मलून की तरफ से। तो अच्छा जो इस राह पे रहते हैं और नेक रहते हैं तो समझ जाए कि इमाम जमाना का बुलावा था, और जो जाके गुमराह हो जाए भटक जाए तो समझ जाए कि ये फिर शैतान का बुलावा था। लेकिन होता है सही, बुलावा, यानी इन्विटेशन होती है, अंदर आपकी रूह महसूस करती है। जितने भी मेरे इस्लामिक स्टूडेंट्स हैं हौजे में जो पढ़ रहे हैं, हमारा एक दूसरे से यही क्वेश्चन गुफ्तगू होती थी कि आप क्या पहले क्या करते थे, किस चीज ने आपको मजबूर किया, क्योंकि मेरी जो मोटिवेट किया। बैकग्राउंड है उलमा दीन से नहीं है, यानी हमारे जदों में इस तरह की उलमा दीन नहीं आए। मैं फर्स्ट पर्सन अपनी फैमिली में अपने खानदान में जो इस लाइन में माशाल्लाह आया। इसी तरह माशाल्लाह, और भी बहुत सारे यंगस्टर्स नजर आते हैं डिफरेंट कंट्री से। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे जहाँ मेरे से बहुत रूहानियत में मानवियत में ऐसे तो लाभ हैं उधर, जो दुनिया के कोने कोने से आए इमाम जमाना की खिदमत करने के लिए, सुभानअल्लाह, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, फिर अफ्रीका से, चाइना से भी आपको मिलेंगे। वहाँ 85 कंट्री से लोग पढ़ रहे हैं, कोर्सेज दर्स पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत लगा रहे हैं। तो ये बहुत एक हम्बलिंग
एक ऐसा यानी इस तरह इंसान को महसूस होता है कि हम मैं खुद कुछ नहीं हूँ, ये सब जो हो रहा है इमाम जमाना के सिस्टम से हो रहा है, इमाम जमाना की मदद से हो रहा है जो सब नजर आता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, सब नाजरीन से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें कि इस मिशन में जो हम लेके चल रहे हैं कामयाब हो और इमाम के जहूर में हम ताजील कर सकें। और आज सीरियस बात तो नहीं करनी क्योंकि ईद का दिन है, जरा थोड़ा सा हंसी मजाक और खुशी में खुशी और गम में गम बनाना चाहिए। तो इस तरह मेरी प्लानिंग हुई। 10 साल की एज थी कि जब मैं जाना चाहता था ईरान, यानी अबू ने जब मुझसे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो उस वक्त मैंने कहा मैं मौलवी बनना चाहता हूँ। तो अबू ने धुतका दिया, कहा कि मौलवी बनना चाहते हो, यानी उस वक्त मौलवी बनना एक बुरी चीज थी, यानी एक ऐसा प्रोफेशन था कि कोई जी बिल्कुल। तो अब फिर कहा, फिर ये यानी ये शर्त लगा कि पहले पढ़ लो, फिर बाकी सब जिंदगी की चीजें कर लो, उसके बाद फिर जाओ। तो फिर मैंने यही सब कुछ किया जो फैमिली से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप यानी जॉब करें और फैमिली हो, फैमिली को रेज करें, उसके बाद फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो फिर आप फैसला करें। और उस जमाने तक मैं खुद पर्सनली सुकून में नहीं था उसमा सिस्टर, क्योंकि अगर आप देखें वेस्टर्न लाइफ और ईस्टर्न लाइफ दोनों जिंदगियों में इफरात तफरीत का मुश्किलात है, यानी बैलेंस नहीं है जिंदगी। उस ना बैलेंसी को अनबैलेंसिंग जो लाइफ नजर आ रही थी उसमें मुझे पीस नहीं मिल रहा था। फिर काफी मैंने खुदा से दुआ मांगी और काफी गौर फिक्र किया, फिर आसान नहीं था स्टेप ईरान जाना, क्योंकि ईरान के बारे में गलत यानी तफक्कुरात थे कि भाई बैकवर्ड कंट्री है, अगर मैं अपनी फैमिली को उधर ले जाऊंगा तो फिर क्या मेरे बच्चे पीछे रह जाएंगे एजुकेशन में, क्या उनके साथ होगा, फिर अगर वापस आएंगे तो बाकी जो कजन है उनके उनके साथ क्या उनका लेवल होगा, इंग्लिश की उनकी मुश्किलात होंगी। तो ये सब चीजें शैतान मुझे डरा रहा था, ऑफ इस तरह से कि ये स्टेप उठाओ। काफी टाइम लगा, एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफी देर लगती है, क्योंकि आप जाहिर है आप जानती कि कुम जाना या नजफ जाना तो जो हौजा होता है वो मेक श्योर करता है कि सही बंदा एडमिशन ले, कोई गलत ऐसा शख्सियत अंदर आके दर्स हासिल करे फिर दीनी को नुकसान पहुंचाए। तो काफी अर्सा लगा को फैमिली बैकग्राउंड चेक करना, खुद एप्लीकेशन चेक करना वगैरह, ये सब चीजें प्रोसेस होती है। तो 1 साल लगा था मेरी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, एक्सेप्ट होने में। उसके बाद फिर मुझे इनविटेशन मिली, मैं तो समझे शायद एडमिशन नहीं होगा। फिर एक कॉलर ने कॉल की, मुझे कहा कि भाई आपकी एप्लीकेशन हो गई है। मैंने कहा कौन सी एप्लीकेशन? कहा की एप्लीकेशन, कहा आपकी राम की हॉस्टल की एप्लीकेशन मदरसे जाने की। तो मैं हैरान हो गया, मैं तो बिल्कुल भूल गया था, मैंने कहा शायद खुदा ने नहीं चाह कि एडमिशन हो। तो इस तरह इत्तेफाक हुए, फिर मैंने अपने भाई को बताया कि इस तरह एडमिशन मेरा हो गया, एक्सेप्टेंस आ गया, मैं क्या करूँ, क्योंकि उस वक्त मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, अबू अम्मी के साथ कारोबार हम चला रहे थे और अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा था, तो मुझे पता था ये सब छोड़ना पड़ जाएगा मुझे। और जी जी। इस चीज में मुझे जरा थोड़ा सा हो रही थी सोच कि अगर मैं छोड़ देता हूँ अपनी सारी जॉब वगैरह तो फिर वापस कैसे कमाऊंगा। फिर सोच आई कि खुदा रोजी देने वाला है, अगर खुदा रोजी देता है तो मैं भी जाऊंगा, खुदा के हाथ में। और इसी तरह मैं फिर इस स्टेप को, इस ईमान को लेके चला, हालांकि ये ईमान शक शुबात के साथ था, खौफ के साथ था, लेकिन फिर भी ये स्टेप उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक आपकी बात बहुत अच्छी थी, जिनको चाहे उनको बुलाएं। यहाँ पर अगर आप इजाजत दें माशाल्लाह, तो आपकी वालदा मोहतरम और हम सबकी वालदा मोहतरम अहले बैत टीवी की वालदा मोहतरम माशाल्लाह जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, अहले बैत टीवी की डायरेक्टर जाकरा अहले बैत सैयदा ज़ारा ज़ैदी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया ईद के इस पुरमसरत मौके पर। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और ईद की भी मुबारकबाद देते हैं, और एक बेटे को आलिम बनाना इस चीज की भी मुबारकबाद देते हुए उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप दोनों को भी मिल्लत इस्लाम को आज की पुरमसरत ईद सईद की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक हो। और हकीकत में ये वही ईद हो कि जिसके लिए मौला मुत्तकियान फरमाते हैं
कि मोमिन की ईद वो होती है कि जिस दिन उससे कोई गुनाह सरसद ना हो। तीस दिन की ये इबादतें आज दुनिया आलम पर मुसर्रत है और परवरदिगार हमें हकीकी मायने में वही ईदें अता फरमाता रहे जिसमें हमसे कोई मासियत ना। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत अंदाज। ज़ारा भाजी, ईद का प्रोग्राम है तो हमने हल्का फुल्का रखा हुआ है आज, तो यही बातें हो रही थी किबला मौलाना फैजल हसन साहब से कि किस तरह से आप इस तरफ आए कि मुझे आलिम बनना है, और इसी सिलसिले में मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी क्योंकि हजारों माएं इस वक्त हमें देख रही है, तो आप क्या मैसेज देगी उन माओं को कि क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कुर्बानी भी है कि बेटा चला जाए पूरी फैमिली के साथ इल्म की राह में, तो वो क्या आपके अंदर जज्बा था कि आपने अपने बेटे को आलिम बनाने का सोचा, वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें आज के दिन। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद हम्द व सनाए परवरदिगार, उस करीम का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, ये भी उसका लुत्फ व करम है कि वो हमें ऐसी औलादों से नवाजता है कि जो उसके दीन की राह पर गामजन होना चाहते हैं। हाँ, इसका सफर काफी मुश्किल था फैजुल हसन का, और लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ही इसको काफी सपोर्ट करती थी। बाकर तो अक्सर कहते थे जब कभी इसने बड़ी यंग एज में, गालबन ये उस वक्त 15 या 16 साल का था, GCSE या ए लेवल का, GCSE कर रहा था, तो तब इसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो पढ़ना चाहता है, ईरान जाना चाहता है। तो फिर बाकर ने उसे कहा कि नहीं, अभी तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर लो। फिर खैर से पढ़ाई के बाद इसकी शादी हुई, बच्चे हो गए, तो फिर इसने दोबारा ख्वाहिश जाहिर की। तो उस वक्त फिर बाकर ने उससे कहा कि यार कोई दीन पर चलने के लिए कोई आलम दीन मौलवी बनना तो ज्यादा जरूरी नहीं है ना। उस वक्त हम अलीबाग TV रन कर रहे थे, तो कहने लगे यार मैं भी तो दीन के काम कर रहा हूँ ना, मैं कोई मौलवी तो नहीं हूँ, तो तुम भी ऐसे कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसका ये जवाब था कि बाबा मैं दीन अपने लिए हासिल करना चाहता हूँ, बाबा मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता चले कि मेरा खुदा मुझसे क्या कहता है, वो मुझसे क्या चाहता है। और फिर जितना इतने बड़ा स्टेप लिया उस जमाने में, और जब ये पहली बार ईरान गया अपनी फैमिली को लेकर, तो काफी मुश्किल आता है क्योंकि एक तो जबान नहीं आती थी, और इसकी भी जबान बेशक उर्दू तो बोल लेते हैं लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी उर्दू नहीं थी, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब वहां जाकर जब बच्चों को स्कूल भेजा, तो पहले खैर स्कूलों में दाखिला तो हो गया बच्चों का, लेकिन उन्हें ईरानी नहीं आती थी, पर्शियन नहीं आती थी, काफी मुश्किल। तो सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसके बच्चे घर में बैठे हुए, और मैं इसकी शक्ल को देखती थी कि एक बड़ी तकलीफ, एक कर्क इसके चेहरे से महसूस होता था कि उस वक्त इसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद इसको लैंग्वेज का बैरियर, बच्चों को लैंग्वेज का बैरियर। लेकिन वह अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले 3-4 महीने बहुत सख्त गुजरे। ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। अब जब ये देखता कि बाकी भाइयों के बच्चे माशाल्लाह स्कूलिंग UK में है, पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके बाद ग्रेजुअली वहाँ पर उन बच्चों ने पर्शियन सीखी, और फिर माशाल्लाह फिर इसकी मिसेज ने भी जामतुज़ारा में एडमिशन ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने ही है कि तकरीबन 3-4 साल ये बच्चे फैमिली के साथ वहाँ रहे, फिर ये वापस UK आ गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल ऐसा है कि आज ईद की नमाज हमारी फैमिली में माशाल्लाह फैजुल हसन ने पढ़ाई, और तमाम अहले खाना ने इसके पीछे ईद की नमाज पढ़ी। तो ये एक बड़ी मुसर्रत मौका था कि जहाँ कोरोना के ऐसे मामलात में कि जिधर हम आजादाना ऐसी नमाजों को, इज्तमा को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन उस खुदाए करीम का जितना शुक्र अदा करूं उसका शुक्र अदा नहीं किया जा सकता कि उस करीम ने एक ऐसा फर्जंद अता किया कि वो उसकी दीन की तरफ बुलाने वालों में से है। और आज जब तमाम अहले खाना ने इसके साथ नमाज ईदेन अदा की, तो फिर और शुक्र का सजदा बढ़ता ही चला जाता है कि करीम तेरा शुक्र है
कि तूने ये तौफीक अता फरमा दी कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे मसाइल हैं तो तूने हमारे घर में ही ऐसा एहतमाम कर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। किबला मौलाना साहब, आप हमारे साथ हैं, एक वाकया आप सुनाना चाह रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि जाते अकदस से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन सरकारे दो जहां, वो भी जब अपने सहाबाए कराम के साथ होते थे तो उनका कैसा रवैया होता था, कभी मजाक करते थे नहीं करते थे। तो बड़ी खूबसूरत वाकया प्रोग्राम से पहले किबला डिस्कस कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि सारे नाजरीन भी उससे फायदा उठाएं, फिर हम आगे गुफ्तगू के सिलसिले को जो है वो जारी रखें। जी किबला, बिस्मिल्लाह। जी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह की जिंदगी में हमने जो मैंने रिसर्च किया है कि 17 या 18 मौके थे कि जहां रसूलुल्लाह ने मजाक अपने असाब के साथ किया, यानी शो जोकिंग। और रसूलुल्लाह हसमुख इंसान थे, ऐसे नहीं थे कि हमेशा गज़ब में या नाराज या गुस्से की हालत में रहते थे, नहीं, हमेशा मुस्कुराहट उनकी शक्ल में रहती थी और वो थोड़ा सा मजाक भी करते थे, लेकिन उनका मजाक सदाकत के दायरे में ही रहता था। मिसाल के तौर पे इसी प्रोग्राम में आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करता रहूंगा रसूलुल्लाह की जो मजाक। एक हदीस हमें मिलती है, यानी एक रिवायत इसमें, के एक जमाने में असहाब और अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह खजूर खा रहे थे, तो सब असाब जो खजूर खा रहे थे वो फिर अमीर अल मोमिनीन के पास खजूर को रखते थे, खजूर की गुठलियों को। तो जब तनावल हो गया पूरा वो गजा, तो रसूलुल्लाह ने कहा, ए अली, तुम तो सारी यानी गुठली समेत इतना सारा खा गए डेट्स को, खजूरों को। तो मौला अली कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, कि मैं यानी अरबिक में कहा अकुल, अकुल का मतलब यानी बहुत खाने वाला। तो रसूलुल्लाह ने अली मौला अली को कहा, अकुल, तुम अली बहुत खाने वाले हो, कि इतना खा लिया इतना ढेर गुठलियों का। तो मौला अली ने कहा कि या रसूलुल्लाह, अकुल तो मैं नहीं हूँ, अकुल तो वो है जो गुठली समेत खा गए। तो रसूलुल्लाह फिर अमीर मोमिनीन हंस पड़े। तो इस तरह के जोक्स एक दूसरे के साथ करते थे, हालांकि जिंदगी सीरियस भी थी, दीन इस्लाम को भी फैलाना था, लेकिन एक दर्द था कि जिंदगी के अंदर इंसान को थोड़ा सा हंसमुख के रहना चाहिए, हमेशा गुस्से में नहीं रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो ये कॉलर भी है हमारे साथ, शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी किबला, मौलाना फिदा हुसैन बुखारी साहब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया किबला, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी मैंने भी आपका प्रोग्राम अभी देख रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, और आपको भी मुबारक, बहुत शुक्रिया को, और किबला मोहतरम मौलाना सैयद फैजुल हसन साहब को, और बहुत खुशी हुई कि वो अपने तजर्बात बता रहे हैं और में कैसे गए और किस तरह से उन्होंने अपनी मुश्किलात पर काबू पाया, और बड़ी खुशी हो रही है, खुदावंदे आजम इनको सलामत रखे और इनके इल्म अमल में मजीद इजाफा फरमाए, और बाजी सैयदा जहरा जैदी को भी बहुत बहुत मुबारक कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको ऐसी मुबारक औलाद दी है कि जो दीन के काम आ रही है, और वो खुद भी जिस तरह से दीन के लिए काम कर रही है और ये अहले बैत की भी चला रही है। खुदावंद आलम इस फैमिली का साया भी कायम रखे, बहुत शुक्रिया किबला मौलाना फिदा हुसैन बुखारी साहब, माशाल्लाह आपका साया भी हम पे सलामत रहे। हर शो बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं और सब कुछ बताते हैं कि कौन सा शो कैसा था, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। जी सारा बाजी बिस्मिल्लाह, चाहूंगी कि माशाल्लाह आगा साहब ने बेहतरीन खूबसूरत प्रोग्राम किए, बल्कि अभी शबाए कदर में 29 शब के अमाल भी जब लाइव आ रहे थे तो मैंने आगा साहब के साथ ही उन अमाल को किया। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे ऐसे तमाम उलमा कराम को सेहत और सलामती के साथ रखे, और हम उनकी सरपरस्ती में इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी के सफर में गामजन रहें, रवा दवा रहें, और उनसे दीन के और ये जो फूल वज़ाइफ, माशाल्लाह आगा साहब के सारे प्रोग्राम बहुत खूबसूरत, और मैं तो बहुत कुछ हासिल करती हूँ, तो माशाल्लाह हासिल करने में अब मेरे बेटे का भी इजाफा हो गया। और मैं एक बात कर रही थी कि जब
इसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है। और फिर एक और बात कही कि रोजे महशर कलाम खुदा हमसे ये शिकवा करेगा कि परवरदिगार, मैं तेरी किताब तेरे बंदों के पास मौजूद थी लेकिन तेरे बंदों ने इसे पढ़ा ही नहीं। तो उसके बाद से मैं आज तक तर्जुमे के साथ कलाम इलाही पढ़ती हूँ, क्योंकि अरबी जबान नहीं है। अब आज जब हम ईद उल फितर की इन मुबारक लम्हात में एक दूसरे को खुशियों का मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, तो आज के दिन हम ये भी तजदीद अहद करें कि जैसे माह वारे के रमजान मुबारक में हमने कलाम इलाही की तिलावत की, अब हम उसे तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, मायनी के साथ पढ़ेंगे कि हमारा खुदाए करीम हमसे क्या चाहता है। मैंने बहुत सारी चीजें हसन से सीखी, क्योंकि जब वो बात करता है तो उसमें फिर एक और बात भी कि परवरदिगार ने जिस डीएनए पर हमें इस दुनिया में भेजा, वो डीएनए उसकी कैलकुलेशन पंचतन पाक के ऊपर है, उन्हीं के सत्य में उसने हमें। दरवाजे एक और शामिल कर लूं, आपको यहाँ वादन के साथ रोकना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी वो इमाम मौलाना की शान में एक कथा पेश करना चाह रहा हूँ ईद के सिलसिले में। जी बिस्मिल्लाह। हेलो। जी जी बात कीजिए, हम सुन रहे हैं। जी हम सुन रहे हैं, आप कीजिए। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही। हेलो। जी अपने तो ये रोजे हैं ज़हूरे इमाम तक। हेलो। बेशक अपने तो ये रोजे हैं ज़हूरे इमाम तक। आप बात करते रहे, आप बात करते रहे भाई, आवाज आ रही है आपकी, टाइम कम है, प्लीज जल्दी जल्दी। अपने तो ये रोजे हैं ज़हूरे इमाम तक, क्या उनके इंतजार की तमहीद बताएं, एक चांद है जो पर्दे में रखा है खुदा ने, नरगिस का चांद आए तो हम ईद मनाएं। सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। जी ज़हरा बाजी, बहुत खूबसूरत अशआर के साथ आप शामिल हुए, माशाल्लाह। और आज के दिन तो इमाम के जहूर की ताजील की बढ़ चढ़ कर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि 30 दिन के रोजे रखे, आज ईद सईद है और खुदाए करीम की बारगाह में अपनी अव्वलीन तरीन और महबूब तरीन दुआ के लिए हम सबको 10 बार दुआ होना चाहिए कि करीम जल्द वो दिन आए कि जमा अपने इमाम की आवाज को सुने और उनकी आवाज के ऊपर लबैक कहें, इलाही आमीन। और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप सब ने अहले बैत टीवी के तमाम प्रोग्राम्स को प्रेजेंट किया, तमाम उलमाए किराम और खुद मौलाना फैजुल हसन जैदी, अक्सर दिल चाहता है कि अपने बेटे को मौलाना जब कहना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। मौलाना सलामत रखे। जी बिल्कुल, यानी कभी आगा साहब कहना, कभी मौलाना साहब कहना, पहले तो कभी जरा सख्ती गर्मी से बोल लेते थे, अब तो ये होता है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदाए करीम ने लिबास इमाम अता फरमाया है और परवरदिगार इसकी अजमत को बरकरार रखने की तौफीक भी अता फरमाए, इलाही आमीन। और माशाल्लाह उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिस जिसने दामे दिरमे सुखने अहले बैत टीवी को सपोर्ट किया, खुदाए करीम अपनी जनाब से उन्हें बेहतरीन अता फरमाए, जो अपने बेहतरीन अबरार बंदों को वो अता करता है उसमें उन सब का मुझ समेत हिस्सा बढ़ा दे। एक और कॉलर को मैं ले लेती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जहरा लखिया। जी जहरा माशाल्लाह आपको जजाए खैर दे, शक्का मोहम्मद आर मोहम्मद करके बहुत प्यारा प्रोग्राम है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप परवरदिगार आपको सलामत रखे और सबको हम सबको अहले बैत की खुशियों के साथ खुशियां गमों के साथ कि जिस तरह आज तक मुझे सिस्टर शाहिदा ज़ैदी की बात ये याद है, लहा की बात याद है कि जिस तरह वो चाहते हैं, जिस तरह के अहले बैत चाहते हैं हमें ऐसे ही खुशियां मनानी चाहिए। मैंने बहुत सारे बात सुनी थी तो मेरे जहन में हमेशा ही रहती है, जब भी मैं यहाँ कहीं से बात करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि हमें अहले बैत की खुशियों के साथ खुशियां और
उनकी गमों के साथ गम मना, मगर जैसे कि वो चाहते हैं अपनी मर्जी से नहीं। सुभान, तो उसी में फायदा किसी होगा, तो हमें अपने मजलूम भाई बहन भाइयों को भी खुशी में याद रखना चाहिए और सत्ता मोहम्मद आज मापा का करके आपको और सबको सवाई हमें हुसैन की कोई गम ना दिखाए और फलस्तीन जो मजलूम है उनके हक में दुआ करनी चाहिए। परवरदिगार उनका जो दुश्मन है रहबर को निस्तो नबूद करे, मोहम्मद आज मोहम्मद का सबका करके दुनिया को इतफाक दे और सबको दरे अहले बैत पे आने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ईमान है कि मुस्लिम कौम पे जो कुछ हो रहा है ये मेरा दिल कहता है कि सिर्फ हमसे दूरी है, अहले बैत के दर से दूरी है, यही बात और कुछ नहीं बात। खुदा गवाह है अगर कायनात दरे अहले बैत पे आ जाए तो ये सारी मुसलमानों की मुसीबतें जो है दिल में तकलीफ बहुत है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ होती है जब देखते हैं, तो बस इमाम को पुकारते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमारे अमालों को अच्छा करे। हमें वो हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे अमाल ही अच्छे हो रहे हैं, वो मौला आए मगर पुकारते हैं जैसे भी हैं गुनाहगार हैं तो पुकारते दिल से मौला आ जाओ अब बहुत हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत हो गया दीन पे इस्लाम पे बहुत बन पड़ गया, तो मौला आ जाओ मौला, तो आप सबको सलामत रखे सारे गमे मुस्ताई के कोई गमला नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं आना चाहूंगी किबला फैजुल हसन ज़ैदी के पास, टाइम कम है, बड़ा खूबसूरत सा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया सुनते हैं और फिर वापस ज़ारा बाजी के पास आते हैं। जी किबला जी, उसमें सिस्टर सबसे पहले ये भी कहना चाहता था, आपने फंडिंग की बात की जो हुई, नाज़रीन के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो सपोर्ट नाज़रीन की सिर्फ चैनल के लिए नहीं बल्कि यमनियों के लिए भी, यमन के यतीमों के लिए, यानी हमें नजर आता है कि जो हमारे नाज़रीन भी हैं वो एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि कहाँ किधर किसकी जरूरत है इस वक्त मुसलमान उम्मत, मुस्लिमीन उम्मत के अंदर, और इस वक्त यमनिया और आज इस जमाने में आप देख सकते हैं कि जो फिलिस्तीन के साथ जो हालात इस वक्त हो रहे हैं। मुझे पता है कि ये प्रोग्राम जरा खुशहाली का प्रोग्राम है लेकिन इसके साथ साथ हमें जो दर्द है इस वक्त वो भी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त जो हम खुशी बना रहे हैं हमारे भाई एक जगह में दुनिया के खित्ते पे वहां उधर जंग हो रही है और अफसोस भी हो रहा है, तो ये दर्द हमें साथ साथ खुशी के रखना है। अगर ये नहीं रखेंगे और ये इजहार नहीं करेंगे तो हम फिर एक तरह से भाई नहीं होंगे उन भाइयों के जो इस वक्त तकलीफ के अंदर है। जी किबला बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं यही कहूंगी अहले बैत टीवी की पूरी टीम शुक्रगुजार है जिस तरह से ट्रस्ट किया है हम पर, यमन को लेके, हौजा को लेके, वो काबिले तारीफ है और शुक्रगुजार है, जाहिर है आप लोग शुक्रिया कर रहे हैं। जी किबला आप वाकया रसूल खुदा का सुनाने लगे। जी जैसे मैंने कहा कि रसूलुल्लाह हसमुख भी रखते थे, मजाक भी करते थे, एक बार रसूलुल्लाह के महजर में एक बूढ़ी औरत आई तो कह रही या रसूलुल्लाह मेरा शोहर अंधा हो गया है वो देख नहीं सकता है, तो रसूलुल्लाह ने कहा हाँ उसकी आंखें सफेद हो गई है, तो उसने कहा हाय, वो रोने लगे हाय मेरा शोहर अब क्या होगा रसूलुल्लाह वो तो अब उसकी आंखें सफेद हो गई, तो वो जाने लगी रो पीट के कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह का ठहरो इधर आओ, मेरा मतलब ये था कि उसकी आंखें सफेदी तो होती आंख में, वो मेरा मतलब था नहीं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा तुम्हारा शोहर ठीक हो जाएगा। तो इस तरह रसूलुल्लाह छोटे छोटे से मजाक करते थे अपनी साहब के साथ, तो ये बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है, ऐसे छोटे छोटे वाकयात से हमें भी मैसेज मिल रहा है कि हमें अपनी नेचर को खुश अखलाकी रखना चाहिए, हल्का मुल्का मजाक लोगों से करना चाहिए, हर वक्त ही सीरियस या मुंह बना के नहीं रहना चाहिए कि लोग हमसे बात करते हुए भी डरेंगे, भाई इससे बात ही ना करो ये तो सीरियस ही रहता है। जी ज़ारा बाजी बिस्मिल्लाह आपकी तरफ आऊंगी। जी और रसूल पाक ऐसे तबस्सुम फरमाया करते थे कि उनके दांतों की एक तजल्दी से ऐसा महसूस होता था कि पूरी अर्ज़ो समा पूरा कायनात जगमगा उठा, ऊंचे कहे नहीं मारा करते थे कि जैसे आम अपराध बहुत जोर जोर से हंसा करते हैं, बस तबस्सुम फरमाया करते थे और ऐसा महसूस होता था कि जैसे बर्फ किसी रोशनी है कि जो पूरे आदम में उसने उसे मुनव्वर कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका कि जो हम सब के लिए मशल हयात है और उसमें दीन की तरफ जिस तरह से हमें रगबत दिलाई गई, जैसे खुदा करीम भी फरमाता है ला इकराह फी दीन के दीन में जबरदस्ती नहीं है, और ये दीन जबरदस्ती का दीन नहीं है, ये तो सलामती का दीन है, ये मोहब्बत का दीन है,
ये इशार और कुर्बानी का दिन है। और जैसे अभी हसन भी कह रहे थे और इसी तरीके से आज पूरी दुनिया आलम इस बात को जान रही है कि फलस्तीन के वो मुसलमान के जो इस वक्त बहुत ज्यादा सख्ती के साथ हैं, गो कि हम दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में बैठे हुए ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम उनके दर्द से उनके दुख से दूर नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान मोमिन वही है कि जिसके दिल में दूसरे मुसलमान मोमिन बरादर और ख़ार का दर्द हो। आज जब देखिए कि ईद के खुतबों में जब जिस तरह से जुम्मतुल मुबारक का खुतबा होता है, जरा थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जब हम जुम्मतुल मुबारक का खुतबा होता है तो यह नमाज होती है, तो पहले खुतबे होते हैं और उसके बाद नमाज होती है, लेकिन ईद की नमाज में पहले नमाज होती है और फिर उसके बाद खुतबे होते हैं, और उसमें भी खास तौर के ऊपर आलमी हालात के ऊपर बात की जाती है। आज जब हम आपके साथ बैठे हुए एलिबेट टीवी से ईद की ये ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं, तो ये गुजारिश करना चाहूंगी कि देखिए ईद जरूर मनाइए, लेकिन याद रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने फितराना भूल दिया हो, क्योंकि फितराना आपकी और आपकी औलाद की इंश्योरेंस है, खुदा करीम अपनी हिफाजत में रखता है। मुझे लगता है आपके साथ कोई कॉलर अगर मौजूद है तो आप ले सकते हैं। मैं आपको रुकूंगी इंशाल्लाह, कॉल आएगी तो मैं रुकूंगी इंशाल्लाह। और इसी तरीके से दुआ, एक तो फितराने की सूरत में लोगों की मदद करना मुस्तहक तक ईद को सेलिब्रेट करने से पहले पहले दूसरे लोगों के घरों में खुशियों को बांट देना। अब दूसरा तरीका दुआ का है कि जिसमें आज के दिन ईद के दिन गिड़गिड़ाकर दुआ करना और उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर मजालिमों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये परवरदिगार ईद सईद के सदके में उन लोगों के लिए भी आसानी फरमा दे। यकीन करें इस कदर पुरतशद्दुद जो न्यूज़ हमें मिल रही है फलस्तीन के हवाले से, और अब इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो यही समझ में आता है कि कम से कम हम दुआ की सूरत में उनके लिए। मुझे याद आया कि ऐसी एक मरतबा जब लबदान में ऐसा मामला हुआ तो हमें ये मैसेज दिया गया कि उनके सरबराह ने कहा कि हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे लिए तो ये कहा कि करबला काफी है। जिनके लिए करबला काफी होती है तो वहां ना हुज्न होता है ना मलाल होता है, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि अगर तुम हमें कुछ देना चाहते हो तो जोशन सगीर की तलावत करो। तो आज गो कि हमने मुबारक रमजान मुबारक में जोशन कबीर की तलावत की, आज ईद उल फितर के दिन अगर हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए जोशन सगीर की तलावत करें और खुदाए करीम से उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत के साथ साथ अपनी हिफाजत के भी तलबगार हों, क्योंकि जब कोई किसी के लिए दुआ करता है तो खुदाए करीम उस मांगने वाले के ऊपर भी लुत्फ व करम फरमाता है। तो ये तमाम काम मैं चाह रही थी कि कम अज कम आज जब हम ईद सेलिब्रेट करें तो एलिबेट टीवी से ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि प्लीज प्लीज अपने गिर्दो नवा में जितना हो सके अपने वजूद को इसार और कुर्बानी के मुजस्म में तब्दील कर दीजिए, और चाहे वो अपने हाथ से देना हो या अपनी जबान से दिल से किसी के लिए दुआ करना हो, ये तमाम चीजें हमारी तरफ पलट। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गुफ्तगु, बहुत खूबसूरत मैसेज। अच्छा मैं ज़ारा बाजी, क्योंकि ईद का प्रोग्राम है, हल्का फुल्का शो मुझे रखना है, तो मैं क़िबला फैज़ुल हसन साहब की थोड़ी सी जिंदगी के बारे में पूछ रही थी। एक आलिम इतनी आसानी से तो आलिम नहीं बनता ना, आप देखें लोग किस तरह से उलमा पे उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, तो मैं इसलिए हर आलिम से उसका ज़ाती एक्सपीरियंस पूछती हूँ, स्पेशली ईद पे तो जरूरी। तो मैं ऐसे ये पूछ रही थी, अब मैं आगे इनकी तरफ आऊंगी ताकि ये आगे अपनी गुफ्तगु को जारी रखें कि जी एडमिशन आ गया, फिर ये वहां पर गए, फिर क्या हुआ, वो जरा हमारे नाजरीन के साथ थोड़ा सा शेयर करते चल। जी किबला, बिस्मिल्लाह। जब ये गया तो मैं इसके साथ गई थी और मैं इसकी परेशानी को, कहरे को उतरा हुआ देखती थी, और बस में भी बीबी मासूम कुम के रोजे पर चली जाती थी और वहां बैठकर बीबी से दुआ करती थी कि आप माँ हैं, बीबी मैंने अपना बेटा आपके पास भेजा है, अब आप इसकी और इसके बच्चों की हिफाजत करें।
बाकी तो दर्द दिल तो ये इसका था क्योंकि ये देख रहा था कि बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे उस स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और फिर खुद इसे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा था। बाकी भी हम हसन से सुनना चाहेंगे क्योंकि एक्चुअल तो इसी ने वहां वक्त गुजारा है। जी हसन भाई, बिस्मिल्लाह किबला। जी जी जी, मैं फिर मुझे ये था अंदाजा कि शायद एजुकेशन का मसला हो मेरे बच्चों को, तो यूके से मैं यूके की सिस्टम की बुक्स ले गया था, की स्टेज वन, की स्टेज टू, GCSE की इस तरह की बुक्स अपने साथ, अम्मी जानती हैं इतनी सारी हम अटैचियां भर भर के लेके गए थे ईरान। तो वहां फिर मैंने मेरी स्टडीज भी स्टार्ट हो गई थी, तो स्टडीज के साथ खुद अपने पढ़ाई भी कर रहा था, फिर बच्चों को भी पढ़ा रहा था, फिर जो स्टडीज होती है उसका भी मुझे यानी दोबारा रिविजन भी करना पड़ता था। टाइम बहुत कम था और दिन बहुत सख्त थे, क्योंकि जब लैंग्वेज नहीं आती है कंट्री में तो आप अपने आप को बहुत ही मजबूर और मिस्कीन समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जबान एक खुदा की नेमत है, यानी जो हम कम्युनिकेट करते हैं ये खुदा ने बहुत बड़ी नेमत दी। और जब महसूस होती है जब आप एक ऐसी कंट्री में चले जाएं जहां आपका कल्चर भी नहीं है और आपको जबान भी नहीं आती, तो ये दोनों चीजें बहुत आपके ऊपर तासीर करती। हाँ, वो ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और उधर जो आजादी जो हमें बाकी कंट्रीज में नहीं मिल सकती वो वहां मिलती है हमें, लेकिन लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। और जैसे अमी ने कहा कि यही मेरा सबसे मुश्किल मेरी औलाद थी कि इनका फ्यूचर ऐसा ना हो कि मैं अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए इनका फ्यूचर खराब ना कर दूं, क्योंकि ये फिर आदलाना नहीं है, ये जस्ट नहीं है, फिर इनको कैसे मैं जवाब दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने काफी हद तक बहुत यानी काफी हद क्या कहना बहुत मदद की, अम्मी का भी सहारा था और हमेशा जब भी अम्मी आती थी सपोर्ट करती थी, हमेशा ईरान आती थी तो मुझे महसूस रहता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये एक चीज सपोर्ट रही मेरे साथ। अब तो माशाल्लाह मैंने आपके बच्चों को देखा है, अरबी भी बोलते हैं, फारसी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो उर्दू भी बोलते हैं, माशाल्लाह सारी जबानें बोल रहे होते हैं अब तो माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि टाइम देना पड़ता है और मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, क्योंकि एजुकेशन खुद मेरी थी। अगर आप देखे 7 बजे 7 o'clock स्टडीज मेरी स्टार्ट होती थी मदरसे में, 7 से लेके अराउंड 1-2 o'clock तक वहाँ मदरसे में होता था, फिर 2 o'clock आना, फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ब्रेक लेना और फिर खुद अपनी स्टडीज करना, तो मेरी प्रोग्रेस स्टडीज में थोड़ी सी स्लो थी। स्लो की वजह यह थी कि मुझे स्ट्रेस था अपनी औलाद का कि उनकी एजुकेशन पीछे ना रह जाए, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को ये नहीं किया कि जल्दबाजी करूँ कि स्ट्रेस में लेके आऊँ कि फिर जल्दी से हासिल करना है, आया था खुदा के लिए। तो मैंने कहा कि खुदा ही खुद ही जानता है कि मेरा क्या लेवल है, किस तरह मैंने पढ़ना है, खुदा मेरा जज है और कोई मेरा जज नहीं, मैं खुद अपने आप जजमेंट करूंगा और खुदा के सामने, किसी और को मैंने इजाजत नहीं दी कि मुझे यानी डिस्करेज करे कि मुझसे कहे कि नहीं आप सही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, क्योंकि मैं इंसान खुद अपने आप को जानता है, अपने आप की मुश्किल को जानता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकते, जो आपके पास हकीकत है वही आप जानते हैं, क्योंकि हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है, हर इंसान ने अपने अमाल के जवाब देना है। तो कोई मुझे अगर कहे कि नहीं आप ये सही कर रहे हैं, नहीं आपने गलत किया, क्योंकि ईरान के अंदर भी आप देख रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक दुनिया परस्त है और एक दीनदार है। जब दुनियादार लोग आते थे मुझसे मुलाकात करते, कहते कि आप वहां से यहाँ आ गए किस लिए, क्या वजह है, क्या हिमाकत कर दी, आप अपनी औलाद को भी ले आए, यानी इस तरह के कॉमेंट्स आते थे। तो आया है औलाद भी ले आए। हाँ, औलाद भी ले आए कि खुद भी आप अपने आप को इस कंट्री में खराब कर रहे हैं और बाकियों को भी कर रहे हैं। तो आप देखें कि इस तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, आपको कहीं भी चले जाएं। कुछ लोग मिसाल के तौर पे वापस इस्लामिक कंट्रीज में जाना चाहते हैं, वहां जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वहां भी लोगों को कहा जाता है कि आप वापस ऐसी कंट्री में जा रहे हैं कि जो डेवलप नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आखिरी जमाने में एक दर्द थोड़ा सा, मुझे पता है आपने कहा था दर्स ना, लेकिन थोड़ा सा दर्स देना पड़ जाता है। कहा जाता है, रिवायत मिलती है कि जहाँ जहन्नुम में वो बहिश्त होगी और जहाँ जन्नत है वहां जहन्नुम होगा। तो ये इसमें एक मफहूम है, एक मानी है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि जहाँ हम समझ रहे हैं कि बहिश्त है, ऐसे ना हो कि हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारने लग जाए कि आखिरत हमारी जहन्नुम बन जाए, और जहाँ हम समझ रहे हैं कि जहन्नुम है वहां हम ऐसी जिंदगी गुजारे कि हमें लग रहा है जहन्नुम है लेकिन वो बहिश्त है। तो ये एक मोमिन को
मद्देनजर रखनी चाहिए कि जहां भी दुनिया में हो उस जमाने को उस जगह को फरके और किस तरह जिंदगी गुजारे, ये जरूर अपने मिसाल के तौर पे अपनी मदर और फादर की बात करना चाहता हूँ कि हमने वेस्ट में जिंदगी गुजारी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मेरी अम्मी का दिल हमेशा एक मुस्लिम कंट्री की तरफ था, कभी भी राजी नहीं थी कि यूके के अंदर रहे। मुझे याद है बचपन से हम बड़े होते थे हमेशा पाकिस्तान की तरफ कहती कब हम वापस जाएंगे, कब हम वापस जाएंगे। और यही चीज मेरे अंदर इंस्टॉल हुई कि ये जब देखा मैंने कि मेरे पेरेंट्स हालांकि रह रहे यूके के अंदर है लेकिन उनके दिल एक इस्लामिक कंट्री के अंदर है, इस चीज ने भी मुझे तासीर किया कि क्यों ना मैं ये स्टेप उठाऊं ईरान के लिए कि वो इस्लामिक कंट्री है, एक इंकलाबी कंट्री है कि जहां इस्लाम दोबारा जिंदा हुआ है। वरना इससे पहले आपको पता है कि दीन सेकंड हैंड समझा जाता था, यानी दीन को अब हम सेकुलर कंट्री में कि दीन और हुकूमत अलहदा होनी चाहिए। एक वाहिद ऐसी मंतके में एक ऐसा किश्वर है कंट्री निकला जिसने कहा कि नहीं दीन भी और हुकूमत भी साथ साथ चलती है, ये अलहदा नहीं हो सकते। तो ये चीजें काफी तासीर दी थी मुझे कि इस स्टेप को उठाऊं, और इसमें मेरी अम्मी का और फादर का बहुत हाथ था इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। खुसूसन जिस तरह आपने देखा एनबैच चैनल को चलाया, हमें तो हमारा बैकग्राउंड कोई मीडिया से रिलेटेड नहीं था, हम बहुत सादे फैमिली है, सिंपल लाइफ हम गुजारते हैं, ना हमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा लाइफ की शौक है कि कुछ इस तरह हॉलीडेज पे महंगी हॉलीडेज पे जाना, बहुत सादी जिंदगी हमने गुजारी है। और मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ने काफी हार्ड टाइम्स देखे थे कि जब हमने यूके के अंदर जिंदगी गुजारी थी, यहाँ तक कि मुझे याद है कि हमारे शूज हम जब खरीदते थे तो मुझे शर्म आती थी शूज स्कूल में पहनने के लिए, इस तरह के भी हालात गुजरे थे, लेकिन फिर भी हमने अम्मी अब्बो को शो किया इस तरह की लाइफ है। और फिर हमने सख्तियां भी देखी और उसके साथ साथ खुदा ने नेमतें भी दी, क्योंकि हमने हमेशा शुक्रगुजार किया। और अम्मी से मैंने एक दर्स हासिल किया कि खुदा के लिए हर काम करें। हम जब आपको बता सकता हूँ कि उस्मा सिस्टर के हमारे पास यानी कभी कभार कुछ नहीं होता था, फिर भी अम्मी सदका चैरिटीज निकालना, गरीबों की मदद करना, उस वक्त जब नहीं भी होता था करती थी। तो ये इन चीजों ने हम इस ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो हुए बढ़े, तो ये इन चीजों ने तासीर जरूर करती है इंसान की लाइफ में। क्या बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह चाहता हूँ, ये मेरी अम्मी के सदकात है कि जो मेरी अम्मी ने अपनी जवानी में अपनी उस एज में दी कि जहाँ थी कि खुदा ने फिर मुझे ये तौफीक अता की कि मैं जा सकता हूँ ईरान और ये इल्म हासिल करूँ, क्योंकि हर चीज के पीछे सिर्फ इंसान खुद यानी ऐसे नहीं होता कि मैंने खुद ये अपनी मर्जी उठाई, इस मर्जी के पीछे बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, माँ बाप की दुआएं होती हैं, मेरे नानी नाना की दुआएं होती हैं, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं कि एक इंसान नेकी की तरफ जाए। क्योंकि देखें अगर नेक माँ बाप हो तो पोटेंशियल ये होती है कि नेक औलाद होगी, गलत हो यानी गुनाहगार माँ बाप हो तो पोटेंशियल होती है कि गुनाहगार औलाद होगी, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को तामीर करते बनाते हैं। अब ये एक कानून है, एक लॉजिकल कानून है, इस लिहाज से शायद कॉलेज बहुत खूबसूरत गुफ्तगु। मैं तो हैरान रह गई हूँ किबला के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं अहले बैत टीवी के लिए, ज़ैदी फैमिली के लिए। आज आपकी जुबानी सुना है तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि बड़ी मुश्किलात से और बड़ी मुश्किल जिंदगी देखकर इस मुकाम पर खुदा ने पहुंचाया है, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की सदकात। तो ये बड़ा मैसेज है अहले बैत टीवी के तमाम नाजरीन के लिए कि देखें कि आज अगर इमाम जमाना ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस फैमिली को अहले बैत चैनल दिया है तो पीछे बहुत सी वजूहात है जो मौलाना हसन साहब की जुबान से हम सुन रहे हैं। और मैं भी जो है वो एक अजीब सी कैफियत मेरे अंदर आई हुई है कि इतने मुश्किलात के बाद इस मुकाम पर पहुंची है। ज़ारा बाजी क्या कहेंगी आप, खराज तहसीन मैं आपको पेश करती हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वाकई हकीकतन अल्फाज नहीं। बहुत शुक्रिया उजवा। और देखिए जिंदगी का सफर ऐसे ही हुआ करता है, गो के मैं और मेरी छोटी बहन अपनी मदामत अपनी फैमिली में पाकिस्तान से एक जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जब हम यूके गए तो यूके हमने फिर अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं मंगवाया, बल्कि बाकर जो जॉब करते थे, मुझे आज तक याद है कि बाकर जो कुछ भी लेकर आते थे, मुझे उस वक्त तक ये निसाब नहीं पता था कि खुम्स का निसाब क्या होता है। अगर बाकर की सैलरी 300 पाउंड है तो जनाब मैंने उसमें से उसका पांचवा हिस्सा निकाल देना है कि ये
بلکہ قوم کا تو نصاب یہ ہوتا ہے نا کہ پورے سال بچنے کے بعد پھر آپ نکالیں گے. میں کہتی تھی کہ نہیں, بس جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں سے پانچواں حصہ ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے نکال دیں اور باقی ہم گزارا کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ خدا کی راہ میں نکالنا خدا کریم کو پسند آیا کہ اس نے خیر و برکت کی, اور ہم نے کبھی مڑ کر اپنے والدین کی طرف یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں پاکستان سے پیسے بھیجیں, گو کہ ہم دو ہی بہنیں تھیں, میرے سسرال وہ بھی زمیندار, میرے والد وہ بھی زمیندار, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کیا. یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب کبھی ہمیں یو کے میں کافی مشکلات ہوتی تھی, کبھی بچوں کے اوپر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم سختی کے ساتھ ہیں. گھر میں بہترین, اچھا مجھے کبھی کپڑے سینے بھی نہیں آتے تھے, لیکن پھر میں دیکھتی تھی کہ نا وہ سنڈے مارکیٹس ہوتی تھی, وہاں پر نا 1 pound پر یارڈ کے حساب سے کلوتھ کپڑے ملتے تھے, میں وہ خرید کے لے کر آتی. پھر میں نے جو دکانوں کے اوپر پیٹرن دیکھے ہوتے تھے, پھر اپنے سوچ کر انہیں کاٹ کر ویسے بچوں کو ویسے پہنا دینا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے یہ کہاں سے خریدی ہے, اور پھر میں جانتی تھی کہ یہ میں نے تو خود سی ہے, وہ کہ اس میں صفائی نہیں ہوتی تھی, لیکن بہرحال پیرنٹس ایسی ہو جاتی تھی کہ بچے لوگوں کے درمیان میں نمایاں نظر آتے تھے. تو ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے, آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, لیکن ہر حال میں اس کے شاکر رہیں, اور کبھی اپنے اندر اور بچوں کے اندر یہ مایوسی نہ آنے دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. جب مولانا نے کہا کہ مولانا ابو عبداللہ حسین کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا, تو جس کے پاس محمد علی محمد جیسی ہستیاں موجود ہوں تو انہوں نے کیا کھویا. تو بس چونکہ میرے اپنے گھر کا ماحول ایسے ہی تھا, والدہ میری ذاکرہ اور دینی ماحول, تو اس میں انہی باتوں کو سیکھا کہ اگر مشکل ہو جائے, اکثر میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ کبھی اگر مشکل ہو تو 2 rakat حاجت کی نماز پڑھیں, اور پھر بی بی کی بارگاہ میں خدا کریم سے توسل کریں. صدی کا نام رکھا ہے تو نے بطول کا, چھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا. اور اس زندگی کے سفر میں یہی وسیلہ رہا کہ جس کی بنا کے اوپر آج آپ ایلیویٹ ٹی وی کو بھی دیکھ رہی ہیں, اور ماشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ہم بھی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں جسے خدا کریم اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. آمین. ایک عجیب سا معجزہ ہے, ایک بہت بڑی بات میں یہاں شیئر کرنے جا رہی ہوں. ناظرین, ایلے بیٹ ٹی وی کے تو یہ ماشاءاللہ مولانا نے انہیں چنا ہے, سیدی فیملی کو آپ کے سامنے ساری گفتگو ہے, لیکن ایلے بیٹ ٹی وی سے جڑے ہوئے ہر ہوسٹ, ہر عالم, آپ اس کی زندگی بھی بدلتے ہوئے دیکھیں گے. جو ایلے بیٹ ٹی وی سے جڑتا چلا گیا اس کی زندگیاں بدلتی چلی گئیں. دروازے ایک بہت بڑا, ہر ایک کو ہم اپنے تمام ہوسٹ کو دیکھ لیں, ہم تمام علماء کو دیکھ لیں, میرے علاوہ بھی ساری اس چیز کی گواہی دیں گے کہ بے شک کوئی نہ کوئی خاص ایک پاور ہے ضرور ایلے بیٹ ٹی وی کے ساتھ. ہم سب تو ایک گناہگار لوگ ہیں, ہماری نہ اتنی اوقات نہ اتنی حیثیت کہ ہم کہیں بیٹھ کے ذکر ایلے بیٹ کر سکیں. انہوں نے چنا ہے نہ صرف آپ لوگ بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کی پوری ٹیم کی مدد کرتے ہیں, اور سب کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں. جی زہرا بازی, اس میں یہ دیکھیں یہ ایک موجزانہ پلیٹ فارم ہے, یہ باقر زیدی اور زہرا زیدی آن نہیں کرتے تھے. یہ ہم سے پہلے علامہ غدیری صاحب کے پاس یہ چینل تھا, اور اس کے بعد کچھ ایسے عوامل ہوئے کہ جن کی وجہ سے یہ چینل لکویڈیشن میں چلا گیا, اور کافی مسائل ہوئے کہ جہاں سے پھر باقر زیدی نے اس چینل کو خریدا. بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک وہ چینل کہ جو بے انتہا ایلے بیٹ ٹی وی کے خلاف تھا, اس کے لیے باتیں کرتا تھا, وہ لوگ اس چینل کو خریدنا چاہتے تھے. لیکن جب یہ چینل لکویڈیشن میں گیا اور باقر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جتنا بھی سرمایہ ان کے کاروبار کے لیے تھا باقر نے وہ پیسے دے کر اس چینل کو آزاد کیا, اور پھر مجلس علماء سے یہ کہا کہ آغا صاحبان آپ لوگ اب اس چینل کو لے لیں, یہ میں نے اس کو خرید لیا ہے. لیکن عظمہ اس کی کاسٹ اتنی زیادہ تھی کہ علماء کرام نے بھی کہا کہ اس کو چلانا کافی مشکل ہے, کیونکہ اس زمانے میں بھی 60-70,000 pound پر منتھ اس کی رننگ کاسٹ تھی, اور باقر اپنا سب کچھ لگا کر اس چینل کو باقر نے اسے سیو کیا. اور ظاہر سی بات ہے ہم میڈیا کے لوگ نہیں تھے, ہمارے لیے بہت مشکل تھی,
लेकिन फिर खुदा करीम ने कुछ ऐसा काम किया कि बाकर के कॉलेजेस में, बाकर के कारोबार में इतनी बरकत हुई कि बाकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह के आसान से इसके सफर को हमने किया। और आज जब ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, जितना खुदा करीम का शुक्र अदा करें कि आप समेत और जितने उलमाए कराम हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि खुदा करीम का लुत्फ व करम है कि उसने हमें इस मौजज़ाती प्लेटफॉर्म पर अपने दीन की आवाज को दुनिया आलम में फैलाने के लिए हम लोगों को ये काम अता फरमाया। वरना दुनिया काम तो बहुत करती है नाम के लिए, लेकिन यहाँ मुझे यकीन है कि जितने भी लोग हैं, खुदा करीम नाम तो सभी को दे देता है, लेकिन ऐसा काम कम लोगों को देता है कि जिसे वो चुनता है। और यहाँ ये भी बात करूंगी कि हम जब अपील करते हैं एलिवेट टीवी पर, उसी के पैसे को लगाया जाता है जो मोमिन देते हैं। और ये भी बता दूं कि जो सपोर्ट होती है वो आटे में नमक के बराबर है, और जिसके जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो उससे पूरे नहीं हो सकते, लेकिन ये खुदा करीम का लुत्फ व करम है। मैं जब अक्सर अपील में बैठती हूँ बात कहती हूँ कि आप अपना हिस्सा डालिए और फिर देखिए, खुदा मजबूर नहीं है, वो खुदा जो हमें बिन मांगे अता फरमाता है, वो चाहता है कि तुम कौन हो कि जो मेरी राह में दो, आओ मैं तुम्हें कई गुनाह करके लौटा दूंगा। माल दिया, पूछेगा माल कहाँ खर्च किया, जिंदगी दी, जिंदगी कहाँ खर्च की, जवानी दी, जवानी कहाँ खर्च की, यानी कि जो उम्र हयात अता की वो कहाँ खर्च की। तो यह अब अगर कोई अपना हिस्सा दामे दिरहम में सुखने डालता है तो खुदा करीम उसे दुनिया में भी रिटर्न करेगा और आखिरत में भी उसकी वापसी एहसन तरीके से खुदा करीम उसको नवाजेगा। वेल बहुत सारी मुश्किल, एक कॉल भी शामिल कर लेती हूँ, मिस हो गई थी मुझसे तो शामिल नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा आप अच्छा लाइव के बगैर बात कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप ये नंबर नोट कर लें, आप नोट। ओके जी, थैंक यू। ठीक है जी, आप ऑफर भी बात कर सकते हैं, बहुत से लोग ऑनियर नहीं आना चाहते लेकिन बहुत शुक्रिया देख रहे हैं जी। किबला फैजुल हसन नकवी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। रहमत लिल आलमीन, सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेक्शन कर दूं, फैजुल हसन जैदी, आपने भी नकवी कहा। बड़ी माजत, फैजल हसन जैदी साहब एक और मौलाना है जिनके हसन के साथ जैदी लगता है, नकवी लगता है, तो मैं उसमें बोल गई जी। फैजल हसन जैदी साहब रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन सरकार तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं जी। किबला जी, एक और वाक्य में अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि अमीर उल मोमिनीन जी जी बिस्मिल्लाह, एक बार खजूर के दरख्त पे बैठे हुए थे। हजरत सलमान फारसी के मेहमान थे, तो वो खजूर खा के हजरत सलमान फारसी की तरफ खजूर की जो बोलती डेट्स बीज जो होता है उसको फेंक रहे थे। तो सलमान फारसी कहते हैं कि ए अली, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आप 19 साल के जवान हैं और मैं एक बूढ़ा इंसान। तो अमीर उल मोमिनीन कहते हैं कि क्या कहा सलमान, क्या अपने आप को बूढ़ा समझते हो और मुझे जवान समझते हो? कहा अली, मैं बूढ़ा हूँ, देखो मेरी सिंह, मेरी एज को देखो और मेरी पीढ़ी को देखो, और आप देखें आप दरख्त के ऊपर हैं। तो फिर अमीर उल मोमिनीन कहते हैं कि सलमान क्या भूल गए दश्त मरजान को? तो जैसे ही सलमान फारसी ने सुना कि दश्त मरजान, तो कहा कि अली आपको कैसे पता दश्त मरजान के बारे में? फिर अमीर उल मोमिनीन कहते हैं क्या मैं सुनाऊं या खुद सुना चाहते हैं वो वाक्य? तो सलमान फारसी ने कहा कि यार आप अपनी जबान से सुनाए तो बेहतर है। तो अमीर उल मोमिनीन कहते हैं कि याद है तुम्हें कि आप आपने फरारी इख्तियार की एक जालिम बादशाह से, आपके माँ बाप और आप खुद खतरे में थे क्योंकि आपको हमारी अहले बैत की मोहब्बत थी, आपने हमारा इल्म हासिल किया हुआ था। तो सलमान फारसी कहते हैं हाँ ऐसा वाक्य हुआ था। फिर आप गए दश्त मरजान की तरफ, उधर वहां आपको जरूरत पड़ी कि आप गुसल लें, तो गुसल के वक्त आप पानी में गए तो आपके कपड़े उस पहाड़ी पे ऊपर पड़े हुए थे, तो वहां एक शेर आ गया। वो शेर कोई कॉलर है लाइन पे? क्या कॉलर तो है, लेकिन आप चाहे तो मैं कॉलर ले सकती हूँ, चाहे तो वाकया पूरा कर दें।
दोनों कॉलर ले लें, फिर कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर, बिस्मिल्लाह। सिस्टर मुझे जो है ना ज़ायरा सईद से बात करनी है। किससे बात करनी है? ये ज़ायरा सईद, ज़हरा ज़ैद। जी ज़ायरा ज़हरा ज़ैद साहब हमारे साथ हैं। जी जी बिल्कुल, बात कीजिए बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वो सुन रही है सारा बाजी, बात कीजिए। जी बात कीजिए सिस्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़हरा जी। ज़हरा ज़ैदी साहब हमारे साथ जी। जी मैंने आपको अभी देखा है नियरली आफ्टर 20 इयर्स, मुझे बड़ी खुशी हो रही है मैं आपको देख के। मैं अनिला बात कर रही हूँ। अनिला बात कर रही है, आफ्टर 20 इयर्स आपको देखा है। आप ठीक है? क्योंकि अनिला भी वही है। अनिला आप हमारे साथ, हमारे घर में आप लेबर थी ना हमारी, और मैंने अपने घर के उस पोर्शन को रेंट पे दिया हुआ था, वही अनिला है ना। आपको देखिए बहुत खुशी हो रही है। जी जी। अच्छा अनिला ये बताओ कैसी हो, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह आज बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हसन आपको याद आया हमने अपनी अलेक्सी रेंट पर दी हुई थी अनिला को? मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा था, मैंने आपसे बहुत कुछ हिजाब डालना सब कुछ मैंने आपसे सीखा था। क्या डालना सीखा था? सॉरी बोलिए सिस्टर, आप टीवी से मत सुने ताकि यहाँ कम्युनिकेशन हो सके, बात कीजिए। आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल, मैं साथ हूँ, मुझे आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा आप टीवी से ना सुने, हमसे यहाँ बात करें ताकि बात हो सके। जी बात कीजिए, सुन रही हैं सारा बाजी। अच्छा मैं आपका नंबर नोट कर लेती हूँ, मैं आपका नंबर नोट कर लेती हूँ, मैं प्रोग्राम के बाद सारा बाजी को दूंगी, ठीक है? बड़ी खुशी हुई अनिला आपसे बात करके, और मैं जानना चाहूंगी इस 20 साल के बाद आज अलेबैक टीवी के तवसुल मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हुई। अल्लाह सुब्हान तआला आपको सेहत और सलामती के साथ रखे और खुशियां का फरमाए, इलाही आमीन। उसमें ये भी हमारी जिंदगी जी जी, ये कहाँ 20 साल बाद ये कहाँ थी, कहाँ इन्होंने आपको देखा? मैं यहाँ यूके में थी, ये हमारी स्ट्रगल का टाइम है क्योंकि मैं जॉब तो करती नहीं थी, तो फिर वाकर ने जब हमने घर खरीदा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उसकी मॉर्गेज देना, तो फिर हमने ऐसा किया कि उसने कुछ कमरों को हमने रेंट पे दे दिया था। तो अनिला ऐसी अच्छा। हमारे साथ रेंट पर रहती थी, फिर उसके बाद मैं उसके साथ शबे जुम्मा अक्सर हमें हदीसे किस्सा सुनती थी और मौजे सुनती थी बीवी के, और बहुत सारी चीजें मैं अनिला के साथ बैठकर दुआएं मांगनी। और अभी कह रही थी कि हिजाब लेना सिखाया, तो फिर ये थोड़े से जैसे यंग बच्चियां होती है तो नहीं लेती, तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा देखो हमने अगर हिजाब लेना है तो दुनिया के लिए नहीं, खुदा को खुश करने के लिए हमें भेजा ही दुनिया में गया है, उसे राजी करने के लिए, उसे राजी रख लेंगे तो फिर हर चीज हमसे राजी हो जाएगी, उसे नाराज कर देंगे तो कोई भी हमसे राजी नहीं होगा। और रियली अब मैं कीन हूँ कि मैं अनिला से बात करूँ। मुझे उम्मीद है उज्मा आप इनका नंबर जरूर नोट कर लीजिए। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैंने नोट कर लिया। देखिए आप कह रही थी अलेबैक टीवी मौजाती चैनल है, और आपके सामने जो है वो 20 साल पुरानी एक बच्ची आपकी जो है वो आपके सामने आ गई माशाल्लाह से। टाइम दाराबाजी बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, मेरा दिल तो चाह रहा है ये गुफ्तगु जारी रहे। एक आखिर में किबला की तरफ आती हूँ। आप कह रही थी फैजल हसन नकवी नहीं है ज़ैदी है, आप यकीन करें जुबान पर हसन भाई इतना चढ़ा हुआ है कि ये मौलाना बन गए हमारे सामने, मेहनत करते करते अमामा माशाल्लाह इनके सर पर आ गया। काफी देर तक तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है किबला मौलाना हसन हसन किबला मौलाना हसन, क्योंकि भाई सालों से भाई जुबान पे चढ़ा हुआ है माशाल्लाह। मौला इन्हें जिंदगी दे, तरक्की दे, आगे इस तालीम के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएं। जी किबला आखिर में क्या कहेंगे आप? जी बस यही कहूंगा कि ईद मुबारक सब, इंशाल्लाह ईद को बहुत अच्छी तरह अपनी फैमिली के साथ गुजारें, क्योंकि फैमिली सिला रहमी होती है, और जरूर अपने छोटों को ईदी दें क्योंकि ईदी देने से उनको भी एहसास होता है कि
दीने इस्लाम बरकत वाला दीन है, दीन इस्लाम छोटों के भी लिहाज करता है, और अपने बड़ों के पास भी जाएं और बड़ों को भी सलाम करें, क्योंकि दीन इस्लाम ये भी कहता है कि बड़ों के साथ तहजीब और एहतराम और उनको भी याद में रखते हैं, क्योंकि जो बड़ों की दुआ मिलती है उस दुआ में बहुत तासीर होती है। बस यही कहना बहुत मैसेज बड़ों की दुआ। जरा बाजी आखिर में क्या कहेंगी? मैं एक चीज आपसे और चाहूंगी कि हमारी जो माए हैं, मुझ मेरी उम्र या हर उम्र की माँ को एक मैसेज जरूर अपने थ्रू दीजिए कि हमें अपने बच्चों को आलिम जरूर बनाना है, इस तरफ भी लेकर आना है। जी सिस्टर। उसमें सबसे पहले तो कभी अपने बच्चों के अंदर मायूसी को पैदा नहीं होने देना। आपकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव हो, सख्तियां हो, तंगदस्ती हो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत और उन्हें बेशक आप रूखा सूखा खिला रहे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर ये नहीं होना चाहिए, ये एहसास ना दिलाना चाहिए कि और लोगों के पास क्या, बल्कि हमेशा खुदा करीम ने हमें बहुत अता किया है, शुक्र अदा करें। क्योंकि जब आप बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंट पैदा कर देते हैं तो जमाने के उतार चढ़ाव तो रहते हैं, पर आप बच्चों को तैयार कर देते हैं इस जमाने से लड़ने के लिए और इसमें जिंदगी गुजारने के लिए, ताकि खुदा के लुत्फ व करम की तरफ उनकी नजर रहती है। और जब कोशिश इंसान चाहता है कि खुदा को हासिल करे तो इंसान को खुदा मिल ही जाता है, और ये जिंदगी हमें उसे ही पाने के लिए है, बंदगी के लिए है। बहुत शुक्रिया। और एक और बात कहती चली जाऊं कि प्लीज प्लीज फितराना जरूर निकाल दीजिएगा, आप सबकी इंश्योरेंस है, आप सबकी बका है, प्लीज। और दुआओं में हम सबको जरूर याद रखिएगा। इजाजत की तरफदार, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ईद का वक्त है, बच्ची भी यहाँ मेरे स्टूडियो में आ चुकी है, इसको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, कोई गलती हो गई। आप दोनों शख्सियात का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, टाइम दिया। बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। बड़ा अच्छा मैसेज आपने देखा, ज़ारा बाजी ने भी हमको दिया, क़िबला मौलाना फैजल हसन ज़ैदी साहब ने भी दिया। आखिर में यही बात है जो पहली बात किबला ने की थी मौलाना फैजल हसन ज़ैदी साहब ने, कि वो खुद बुलाते हैं इस तरफ, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, वो खुद बुलाते हैं, ये सारे काम वो चुनते हैं।